अब एक्सरसाइज ट्वेल्व ए का क्वेश्चन फोर हम डिस्कस करते हैं ए इज द फादर ऑफ बी तो यहां पर है बी और बी के जो फादर है यानी एक जेनरेशन हम ऊपर जाएंगे यहां पर आ गए बी के फादर दैट इज ए फिर है सी इज द डॉटर ऑफ बी तो बी की जो डॉटर है तो एक जेनरेशन हम नीचे जाएंगे यहां पर आ जाएगा सी एंड सी इज द डॉटर तो ये फीमेल जेंडर हो जाता है सो so, सी जो है वो बी की डॉटर है नेक्स्ट यह है डी इज द ब्रदर ऑफ बी तो बी के ब्रदर है डी तो ये मेल जेंडर हो जाता है ई इज द सन ऑफ ए तो ए के जो सन है वो है ई e. यानी कि e, इ बी और डी ये तीनों बच्चे हुए ए के करेक्ट ऑल किड्स ऑफ तो इनका भी कनेक्शन हो जाता है सो ई बी एंड डी ऑल आर सिबलिंग ओके अब हमें पूछा गया है वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई तो सी एंड ई का रिलेशनशिप क्या हुआ तो अगर हम देखें सी दीस करेक्ट और ई e जो है वो इसके अंकल हुए क्योंकि सी का जो पेरेंट है वो है बी एंड बी का ब्रदर हुआ ई e. तो ई e तो अंकल हो गए सी के और सी यहां पर दिया है फीमेल जेंडर है सो सी इज द नीस एंड ई इज द अंकल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीस एंड अंकल